हमने दो हाइपोथेसिस भी हमें डिस्कस किए। जब हम हाइपोथेसिस बनाते हो बिकॉज हम जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तो वी हैव द सिक्स स्टेप्स, उसमें सबसे पहले जो होता है वो फॉर्मुलेशन या मेकिंग द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस होता है कि आपने हाइपोथेसिस कैसे बनानी। अब टू टाइप ऑफ हाइपोथेसिस होते हैं, एक एच नॉट होता है, एक एच वन होता है। मैं आपको लिखकर बता देती हूँ कि हमने टू हाइपोथेसिस पढ़े, एक एच नॉट है, एक एच वन है। स्टूडेंट बार बार मैं जो रिपीट करती हूँ उसका मेन मकसद ये है कि जब आपको क्वेश्चन में बताया जाता है कि कोई भी आपको सिचुएशन दी जा रही है तो हमेशा आपको क्वेश्चन में एच वन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गिवन होता है, ना कि नल हाइपोथेसिस। अब आपने अपने क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। अगर तो खुद मेंशन कर रहे हैं कि जी आपके पास एच नॉट ये है तब तो ठीक है, अगर नहीं कुछ मेंशन किया देन एच नॉट होता है। फिर टू टेल एंड वन टेल टेस्ट के लिए मैंने आपको बता दिया था कि वन साइड अगर नेगेटिव साइड के लिए होगा तो क्या करना है, पॉजिटिव साइड के लिए, वो आप प्रीवियस लेक्चर देखोगे आपका कॉन्सेप्ट के लिए होगा। अब थोड़ी हमारे पास मेन आ जाता है कि व्हाट इज द टाइप वन एरर एंड व्हाट इज द टाइप टू एरर। देखिए टाइप वन एरर क्या होता है, इन दोनों को ही हमने माइंड में रखना है। एच नॉट जो है अगर वो ट्रू हो तो हम क्या करेंगे, अगर वो ट्रू नहीं है तो उससे हम क्या करेंगे, तो हमारे पास वो कौन सा एरर होगा। स्टूडेंट देखिए अगर एच नॉट सिंपली अगर कह देते हो कि एच नॉट ट्रू है और आपने रिजेक्ट कर दिया, एच नॉट हमारे पास क्या है, एच नॉट इज ट्रू बट रिजेक्ट एच नॉट, दिस इज कॉल्ड टाइप वन एरर। ये हमारे पास क्या होता है, टाइप वन एरर है कि एक अगर बंदा या कोई भी अगर वो ठीक है और उसको आप रिजेक्ट कर रहे हो तो ये टाइप वन एरर है जो कि आप डिनोट करते हो अल्फा से। इसी तरह आपके पास आ जाता है टाइप टू एरर। तो टाइप टू एरर क्या होता है कि एच नॉट जो है इज फॉल्स बट वी एक्सेप्ट एच नॉट, बट वी एक्सेप्ट एच नॉट। अब ये हमारे पास जो होता है टाइप टू एरर, इसको हम शुरू करते हैं बीटा से, इसको हम कहते हैं इट्स अ टाइप वन एरर, टाइप वन एरर है। और ये हमारे पास क्या है, टाइप टू एरर है। अच्छा स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पहले तो आप सिंपल ये जो कॉन्सेप्ट है ये अपने माइंड में रखें कि हमारे पास टाइप वन एरर क्या है कि एच नॉट है और एच नॉट अगर ट्रू है उसे हम रिजेक्ट कर रहे हैं तो ये टाइप वन एरर है कि यहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो कि वो एच नॉट ट्रू है लेकिन आप उसे रिजेक्ट कर रहे हो। टाइप टू एरर क्या है कि अगर हमारे पास एच नॉट फॉल्स है हम उसे एक्सेप्ट करें तो ये टाइप टू एरर है। अच्छा स्टूडेंट बहुत सारे ना इंटरव्यू अक्सर आपके जब होते हैं बीपीएससी वालों के लिए उनमें या बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। अच्छा उसमें एक और चीज पूछी जाती है आपसे बार बार, आपको पता होना चाहिए बिकॉज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो आपसे ये नहीं पूछते कि व्हाट इज द एच नॉट एंड व्हाट इज द टाइप टू एरर। वो आपको कहते हैं गिव द एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ टाइप वन एंड टाइप टू एरर। तो टाइप वन के अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर एक बंदा है और वो गिल्टी नहीं है, उसने कोई जुर्म नहीं किया लेकिन कोर्ट उसको सजा सुना देती है तो दिस इज कॉल्ड द टाइप वन एरर क्योंकि वो ट्रू था लेकिन कोर्ट ने उसे सजा दे दी। और अगर एक बंदे ने जुर्म किया है, चोरी की है बट उसे माफ कर दिया जाता है तो इट इज अ टाइप टू एरर के एच नॉट इज फॉल्स, वो बंदा फॉल्स है बट वी एक्सेप्ट और लेकिन हम उसे क्या कह रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम उसकी सजा जो है नहीं दे रहे, उसको जो है जमानत दे रही है। इसी तरह आप ऐसे कि एग्जांपल दे सकते हो जिस तरह डिफरेंट ट्रायल्स होते हैं दवाइयां बनाने की, कोई ड्रग्स तैयार हो रही है कि ये इस जो डिजीज है उसके लिए बेनिफिट है या नहीं है। तो अगर वो हमारे पास क्या होता है कि ड्रग जो है वो बेनिफिट है उसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये हमारे पास टाइप वन एरर है। इसी तरह अगर इसके अगेंस्ट है तो वो टाइप टू एरर है। तो स्टूडेंट अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल आ जाती है तो वो आपके लिए बहुत जरूरी हुई है। अच्छा एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कह रहे होते हो सेकंड स्टेप, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जिससे आप शो करते हो अल्फा से, अक्सर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइप वन एरर एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये भी मैं आपको शो करवा देती हूँ, वी हैव द लिटिल बिट डिफरेंट, डिफरेंस कोई भी नहीं है, सिंपल आपने से जो बयान है वो सही तरीके से करना है, वो मेंशन आपने लेक्चर में आपको बता दूं। अच्छा स्टूडेंट सबसे पहले तो अभी आ गया है आपको माइंड में रखना है कि व्हाट इज द टाइप वन एरर एंड व्हाट इज द टाइप टू एरर। अब नेक्स्ट मैं आपको ये सिंपल सा एक चार्ट सा बना के देती हूँ ताकि आपको ये टाइप वन एंड टाइप टू एरर याद रहे और इसकी रियल लाइफ एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ टाइप वन एंड टाइप टू एरर। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या है, स्टेट ऑफ द नेचर, ठीक है। अगर मैं स्टेट ऑफ नेचर ले लूं, स्टेट ऑफ नेचर ले लू, ठीक है। अब मेरे पास स्टेट ऑफ नेचर टू टाइप की होती है, या तो एच नॉट हमारे पास क्या होगा ट्रू होगा
ठीक है, या हमारे पास एच नॉट प्रूव होगा कि दो सिचुएशन में दो ही हाइपोथेसिस होती हैं, तो जो हमारे पास एच नॉट है वो हमारे पास नल हाइपोथेसिस को शो करता है और जो हमारे पास एच वन है वो किसको शो करता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। अच्छा यहाँ पे मेरे पास क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, सिंपल आपने याद रहना है, आपको इजीली याद भी रह जाएगा। यहाँ हम कह रहे हैं रिजेक्ट एच नॉट, रिजेक्ट एच नॉट, और यहाँ हम क्या कह रहे हैं एक्सेप्ट एच नॉट, एक्सेप्ट एच नॉट। अच्छा अभी आपने टाइप वन एरर पढ़ा कि एच नॉट अगर ट्रू है और उसे हम क्या कर देते हैं रिजेक्ट कर देते हैं एच नॉट को, तो हमारे पास क्या आ जाता है वो टाइप वन एरर, तो टाइप टू एरर अभी आपने पढ़ा। अब सुनिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए जब एच नॉट में जो आता है ना वो टाइप वन एरर आता है, ठीक है टाइप वन एरर, और इसमें हमारे पास क्या आ जाता है टाइप टू एरर अगर हमारे पास करेक्ट डिसीजन जो है वो ये आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा टाइप टू एरर। अब इसका जो करेक्ट डिसीजन है वो हमारे पास क्या होगा कि हम रिजेक्ट ये हुए को ट्रू कह रहे हैं, ठीक है तो ये हमारे पास क्या है करेक्ट डिसीजन हम इधर बना रहे हैं, इसके लिए ये सिंपल आपको याद रखने के लिए इसका जो करेक्ट डिसीजन है वो आपके पास आ रहा है यहाँ पे, सिंपल आपने याद रखना है कि व्हाट इज द टाइप वन एरर एंड टाइप टू एरर, उसके लिए ये आपको मैंने बता दिया। अच्छा स्टूडेंट अल्फा मैंने आपको बताया कि अल्फा हमारे पास एक होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और इसको हम शो करते हैं अल्फा से टाइप वन को एंड टाइप टू एरर को बीटा से शो करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास ये तो आ गई है चीजें, अगर आपने इसको शो भी करना है कि हम इसको कैसे शो करेंगे, तो यहाँ पे अल्फा आएगा, यहाँ पे वन माइनस अल्फा आएगा, अगर आप ग्राफ में देना चाह रहे हो ठीक है ग्राफ में, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा वन माइनस बीटा आ जाएगा टाइप टू एरर, तो वो हमारे पास क्या इक्वल होता है बीटा की इक्वल आता है। तो अगर आपने सिंगल वाइज याद रखनी है तो आप इसको ऐसे याद रखते हैं तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज में ये किस तरह शो ऑफ होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपको इजी है याद रखेंगे। अच्छा एक और चीज के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास होता है अल्फा। अब स्टूडेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मीनिंग क्या है, आपको टाइप वन एरर तो पता चल गया कि हमारे पास क्या होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस शो करते हैं हम अल्फा से। अब इसका मतलब क्या है, बेसिकली स्टूडेंट जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो टाइप वन एरर ही होता है। टाइप वन एरर बेसिकली क्या है, टाइप वन एरर है कि जब आपके पास एच नॉट ट्रू होता है और आप उसे रिजेक्ट कर रहे होते तो ये हमारे पास क्या है टाइप वन एरर है। सेम हमारे पास टाइप वन एरर को अगर मैं शो कर देती हूँ ऐसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट एच नॉट, ये मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी में शो करूंगी, अगर हम रिजेक्ट एच नॉट कर रहे हैं हालांकि एच नॉट जो है वो हमारे पास क्या है ट्रू है, तो ये मेरे पास इक्वल होता है अल्फा के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के। बेसिकली स्टूडेंट जब आप सोचते हो ना आपको अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं होता तो मेजोरिटी आप कौन सा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन लेते हो, 95% या 99%, ये जिसे आप कह सकते हो 5% 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेते हो 0.01 लेते हो। अब स्टूडेंट इसका अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि जी आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो इतना लेना है देन टू वेल डन, अगर आपको मेंशन नहीं किया गया है तो आप मेजोरिटी 95% जो है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले लेते हो, तो हमारे पास बेसिकली जो टाइप वन एरर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दे आर बोथ आर द सेम थिंग्स है, सिर्फ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में हमारे पास क्या होता है कि हाउ मच वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट अवर स्टेटमेंट, ठीक है कि हम अपनी स्टेटमेंट जो हमने दी है हम उसके लिए कितने कॉन्फिडेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि जो मेरी स्टूडेंट है वो 90% मार्क्स जो है वो लेगी, 90% मार्क्स अब जो लेगी, मैंने कहा है कि मुझे 90% अगर वो मार्क्स लेगी या वो एक ग्रेड लेगी, मुझे इस पे बिलीव है कि 90% चांसेस हैं कि वो लेगी, तो 95% चांसेस मतलब है कि मुझे वो यकीन है कि ये एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन जो 5% है वो मुझे लगता है कि जो मैंने स्टेटमेंट दी है जो कि एच नॉट मैंने दी है स्टेटमेंट मुझे लगता है वो रिजेक्ट हो जाएगी, तो हालांकि वो ट्रू है। तो ये जो हमारे पास चीजें होती है ना टाइप वन एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टाइप वन एरर एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये आपसे बेसिकली मेजोरिटी बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछा जाता है, तो सुनिए आपके पास बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है आपने माइंड में रखना है, ये छोटे छोटे डिफरेंस है जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है पर इंटरव्यू पेपर्स के अलावा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। पेपर में तो ये है कि आपको जो क्वेश्चन गिवन है आपने वही याद रखने हैं, लेकिन इंटरव्यू में क्या होता है वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो जब भी कोई क्वेश्चन करें उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर करें। अगर इसमें भी आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।